दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है, यानी कि 18वीं लोकसभा, जिसके अंदर की एक प्रकार से अल्पमत की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला। हालांकि एनडीए के जो घटक दल हैं उनके समर्थन से सरकार पूरी मजबूती के साथ शुरू हुई है, लेकिन पहले ही संसद सत्र के अंदर जो हम पहले कहा करते थे कि इस बार सरकार चलाने को भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को मुश्किल आएंगी, अगली डगर थोड़ी कठिन हो सकती है। और उसका अगर आप ये कहें कि परिणाम पहले ही सत्र में सामने आने शुरू हो चुके हैं। कल लोकसभा का सत्र शुरू हुआ, यानी कि 24 तारीख को लोकसभा सत्र शुरू हुआ, तो उसके अंदर कल 262 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संसद की सदस्यता की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ लेने गए तो उस समय चाहे राहुल गांधी थे, चाहे अखिलेश यादव थे, यानी कि विपक्ष के तमाम लोग उनको संविधान की किताब दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद जब उन्होंने अभिवादन किया हाथ जोड़ करके विपक्ष की कुर्सियों की तरफ भी, तो हालांकि उस समय विपक्ष के लोगों ने भी उनका अभिवादन स्वरूप हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन किया। लेकिन आज जब दूसरा दिन शुरू हुआ और लोकसभा अध्यक्ष के लिए जब तमाम प्रकार के प्रयास चल रहे थे, देश के रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के बाद कहने के लिए नंबर दो के नेता ठाकुर राजनाथ सिंह, जिसके एक तरह से प्रभारी बनाए गए थे, इंचार्ज थे कि वो एनडीए और विपक्ष के दलों के बीच बात करके सहमति बनाए ताकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सहमति से हो जाए, लेकिन आज वो हो ना सका। और आज जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन भरने का जो समय था 12 बजे का, 11 बजे तक तो ऐसा लग रहा था कि सहमति बन जाएगी। ओम बिरला जो कैंडिडेट हो रहे हैं एनडीए की तरफ से, विपक्ष भी उनका समर्थन कर देगा, लेकिन 11:15 बजे के आसपास यकायक राहुल गांधी मीडिया के सामने आए, कैमरों की फ्लैश लाइटें जगमगाई और उसके बीच में राहुल गांधी ने कह दिया कि ठाकुर राजनाथ ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से रिकॉल नहीं किया, दोबारा कनेक्ट नहीं किया है। हालांकि राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि हमने 3 बार बात की है कल और आज, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेतृत्व ने, कांग्रेस के जो प्रवक्ता लोग थे, उन्होंने कहा कि एक बार भी रिकॉल करने की जो बात थी वो नहीं की गई। दूसरी शर्त रख दी राहुल गांधी ने कि पहले जो उपाध्यक्ष बनना है लोकसभा का, डिप्टी स्पीकर, उसके लिए इंडिया गठबंधन का एक नाम तय हो जाए और उनके पास बात पहुंच जाए और ये तय कर दें, श्योर कर दें, बोल दें, कह दें कि विपक्ष का होगा डिप्टी स्पीकर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहल हुई अगर सीधे सीधे कह दें, ना कांग्रेस की तरफ से चली बात, ना एनडीए की तरफ से कोई आगे आए और ना इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कदम बढ़ाया। और हुआ वो कि जो देश की आजादी के बाद आज तक कभी नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर के लिए आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ, हालांकि संविधान की मर्यादाएं, जो ये संवैधानिक बात तो नहीं है कि चुनाव हो या ना हो, लेकिन हुआ नहीं। ऐसा भी कहीं नहीं है कि अध्यक्ष का पद सत्ताधारी दल के पास रहे और विपक्ष का, जो उपाध्यक्ष का पद है विपक्ष के पास है, ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन अमूमन ऐसा होता रहा हमेशा पहले, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू का युग था, चाहे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद में चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और चाहे खुद मोदी जी का ही समय था, 2019 की सरकार में तो लोकसभा उपाध्यक्ष के लिए कोई चयन ही नहीं हुआ। 2019 के सरकार में जरूर था और वो एनडीए के पार्ट सहयोगी दल को ही दिया गया। इस चुनाव के लिए, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, इस बार बहुत सरगर्मियां थी, तमाम प्रकार की उहापोह थी। कहीं मोदी जी के सामने, यानी कि एनडीए के जो घटक दल हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, एकनाथ शिंदे की पार्टी, इन पार्टियों की तरफ से भी सामने आकर कोई बात हुई हो या ना हुई हो, लेकिन इंटरनल प्रेशर महसूस किया जा सकता है जो दिखाई देता था। और उसके बाद में विपक्षी गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने, जैसा चल रहा था कल से ही शुरू हुआ लोकसभा सत्र का, 18वीं लोकसभा सत्र का पहला दिन और पहले ही दिन हंगामा, कहा अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुई सांसदों की, इसलिए मैं कह रहा था, एक देसी कहावत है, और इसको हम कई बार पहले आपसे कहा करते थे,
जब रिजल्ट आ गया था, सरकार बन गई थी, तो हमने आपसे कई बार कहा था कि जो पिछली सरकार थी, मोदी पार्ट वन और मोदी पार्ट टू की जो सरकारें थी, वो मोदी पार्ट थ्री के अंदर आपको सब कुछ बदला बदला सा दिखाई देगा। भले ही चेहरे नहीं बदले, भले ही मंत्रियों के पोर्टफोलियो नहीं बदले, भले ही लोकसभा का कैंडिडेट जो अध्यक्ष का कैंडिडेट संभवतः ओम बिरला चुनाव जीत भी जाएंगे, क्योंकि जो संख्या बल दिखाई दे रहा है वो एनडीए के फेवर में है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये बात सामने आ गई, जिसे कहा जाता था कि नाई रे नाई बाल कितने, जजमान सब सामने आ जाएंगे, तो सब सामने आना शुरू हो गया। वैसे आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से इस चुनाव में हो रहा है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का जो चुनाव होना है, चयन होना है, क्या एनडीए गठबंधन को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को, एक कदम आगे बढ़ के पहले ये ऐलान नहीं करना चाहिए था कि विपक्षी गठबंधन अपना तय कर ले, नाम हम उनके ऊपर छोड़ देंगे। दूसरी बात, राहुल गांधी अगर कह रहे थे आज सुबह कि वो समर्थन दे रहे हैं, अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं के तहत अगर वापसी बात हो जाती है, वो यानी कि जो एक घंटे के अंदर इन्होंने कहा कि हमारा समर्थन जो है वो सशर्त है कि पहले लोकसभा उपाध्यक्ष हमारा हो, तो आखिर ये कहां तक वाजिब है? और तीसरी बात, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अब की बार संसद चलाने में मोदी सरकार को परेशानियों का सामना पेश करना पड़ेगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।